बढ़ते आगे बक्सर से बड़ी खबर बता दें, जहां एक के बाद एक चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भदवर पंचायत के मानकी गांव की ये घटना है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि बक्सर जिले के भदवर पंचायत के मानकी गांव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ चार लोगों की मौत हो गई और घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को बिना बताई ही शवों का अंतिम संस्कार करने की भी बात सामने आई है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और एसपी मनीष कुमार मौके पर पहुंच गए। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। और बक्सर संवाददाता बबलू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बबलू, एक के बाद एक चार लोगों के मौत की खबर सामने आई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल रफी, बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, बगेन थाना इलाका है, भदवर पंचायत है और इसमें मनपा गाँव में जो ये मामला सामने आ रहा है, इसके बाद बक्सर के जिलाधिकारी, बक्सर के एसपी समेत तमाम लोग जो हैं वहां देर रात पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत किए हैं। हालांकि ग्रामीण स्तर पर कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि शराब के पार्टी के दौरान पांच छह लोग शराब पी रहे थे, इसी दौरान एक एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ी और उनकी अब तक तीन लोगों के मौत की पुष्टि हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक इलाज के दौरान आरा में किसी निजी अस्पताल में भी मौत हुई है और अन्य लोग जो है वो अभी अलग अलग जगहों पे इलाजरत हैं। हालांकि प्रशासनिक महकमे के अगर हम लोग आधिकारिक तौर की बात करें तो कोई भी पदाधिकारी अभी इस तरह की मौत की बात नहीं बता रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के बीच में चर्चा ये है कि लोगों का जैसे ही मौत हुआ स्थानीय स्तर पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और लोगों में इस बात को लेकर के कि जहरीली शराब है या फिर फूड प्वाइजनिंग का मामला है, ये तो अब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मनपा गांव में इस तरह से तीन लोगों की ताबड़तोड़ अब तक मौत हुई है, एक चौथे की मौत इलाज के दौरान आरा में होने की बात बताई जा रही है, इसको लेकर के ग्रामीणों में दहशत है और साथ ही साथ ग्रामीण जो है अब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये ताबड़तोड़ मौत खासकर एक ही गांव में पिछले 10 घंटे के अंदर जो घटना हुई है इसको लेकर के ग्रामीणों में काफी दहशत व्याप्त है। जी बबलू, क्या कभी अभी कुछ और भी लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, इसे लेकर क्या जानकारी? में कि एक दो लोगों को इलाजरत अभी रखा गया है लेकिन आधिकारिक तौर पर या ग्रामीण ये पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग जो हैं वो भी खुल करके इस घटना के बाद सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे ये कहा जा सके कि आखिर उन्हें इलाजरत किया गया है तो कहाँ किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि पांच छह लोग एक साथ कुछ पार्टी किए थे और उसी के दौरान में ये शराब की बात भी ग्रामीण कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग का भी मामला हो, लेकिन अब तक प्रशासनिक महकमे के अधिकारी विजिट तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है। चलिए बिल्कुल बबलू, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।